एक शब्द है बुलिंग, पता था मतलब की हुंदा? बुली करना या बुली होना, एदा मतलब अर्थ है अपने तो कमजोर नू डराना, परेशान करना या उहदा मजाक उड़ाना। की आपां इह करदे आ? की आपां किसे नू परेशान करदे आ जां किसे दा मजाक उड़ाने आ जां किसे नू डराने आ जां कोई साडे नाल इदां करदा होवे? देखो आम तौर ते आपां जदों समाज विच विचरदे आ ते आपां इक दूसरे दा मजाक उड़ाने आ जां डराने भी आ, ते जे कोई नवा बच्चा आ जांदा फिर उहनू उहदा भी परेशान किया जाता, ओए तू परे हो के बैठ, असीं दोस्त हैगे असीं इकट्ठे बैठा तू परे हो के बैठ। ये सब कुछ बुलिंग के अंडर आता है, बुली करना कि आप उस बच्चे नू बुली कर रहे हैं, उन्हों परेशान कर रहे हैं। कि ये चंगी गल है? नहीं, किते भी नहीं। मजाक करना चंगी गल है, पर किस लैवल तक करना वह सानू सोचना पएगा, उहदी एक लिमिट सानू सैट करनी पेगी भी सानू किसी नू अजिहे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिहड़े उन्हों हर्ट करन, उन्हों परेशान करन। हुण ये जाली जिहड़ी आपां गल कीती, तो मैं नॉर्मल बुली की गल करती हाँ जिहड़ी आपां सारे करदे ही हाँ, अपने आले दुआले वरती जाती है। पर हुण आपां गल कर लगे जिहड़ा मैं इत्थे टॉपिक लैके आया, मैं लैके आया साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब यही काम जे असीं सोशल मीडिया जां इंटरनेट की वरतों करके करते हाँ तो उन्हूं साइबर बुलिंग का नाम दिता जाता, ठीक है। भी नॉर्मल बुली जी आसे डरते हैं कितना कितने भी, जे मेरे तो अगे तगड़ा आ, जे मैं इनू कितने तंग परेशान ज़्यादा करता तो मेरे चपेड़ा मार देनी आ, ये मैं कुट सकता, तो इसलिए आप चुप कर लें भी नहीं यार इनू नहीं कहना। पर सोशल मीडिया एक इदा का प्लेटफॉर्म आ भी आप एक खुंजे ला के बैठे हुए हैं इंटरनेट के उपर, मोबाइल के उपर, कंप्यूटर के उपर, मैं कोई नहीं देता, कोई नहीं मैं जानता, तो मैं जो मर्जी जो मर्जी कही जाव भी कह भी दूंगा तो मैंने कहना किन्हें कुछ कह देना, मैंने कहना किन्हें कुट देना, तो आप नजायज फायदा उठाने। इंटरनेट का सोशल मीडिया का आप एक पिछे बैठ के तो किसी भी कोई भी गल कह सकते हैं भी सूँ लगता भी सू रोकने वाली है नहीं, भी मैं जिन्होंने मर्जी कोई भी कमेंट कर दाँ, मैं कोई भी गल कह दाँ तो मैं कहना कोई फड़न वाला, तो आप इस मीडिया की दुरवरतों कर रहे हैं किसी को परेशान करने, किसी का मजाक उड़ाने। यह साइबर बुलिंग का नाम दिता जाता जदों भी असी सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इन्ना सारे जिहड़े हैगे अपने सोशल मीडिया ऐप आ इन्हां दी वरतों करदे आ किसी नूं तंग परेशान करन लई, तो उहनूं साइबर बुलिंग दा नाम दित्ता जांदा। इहदा कई इफैक्ट हैगे आ, मैंटल इफैक्ट हैगे आ, इमोशनल इफैक्ट हैगे आ, फिजिकल इफैक्ट हैगे आ। किद्दां कीता जांदा भी मान लो भी मैं अपनी कोई फोटो सोशल मीडिया ते अपलोड कर दित्ती ते हुण कोई बंदा ओह जाके मेरी फोटो उपर भद्दे कमेंट करी जा रिहा, उन्हों बस मेरे ना कोई जलन आ, मेरी जलन के कारण वह मेरे फोटो के उपर कमेंट करी जा रहा, जां मेरे ना उन्हों उदा कोई परेशानी हैगी आ, तो उन्हें की कहता अपना एक फेक अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट बना के तो मैं मैसेज करने शुरू कर दते, गलत मैसेज शुरू करने शुरू कर दते, मैं धमकियां देनिया शुरू कर दतियां, कोई नहीं तैनू देख लाँगे, वो इन्नी गल कहती मेरे दिमाग के उपर एक स्ट्रैस चलना शुरू हो गया। फिर जां मेरी कोई फोटो जिहड़ी आपां कई वारी जर्नल आपस विच बैठे फ्रेंड सर्कल विच कोई खिंची हुंदी आ ते उहदा गलत यूज कर दिंदे आ, उहनूं फेसबुक जां सोशल मीडिया ते अपलोड कर देना वी लोकां नूं दिखाणी आ देखो जी आ की करी जांदा, ते उह लोकां दे विच फिर उहदा इक मजाक बन जांदा ते फिर बंदा परेशान हो जांदा। फिर कई कई मतलब इधरे केसिस हो चुके आ भी लोकी जां बच्चे इन्ने परेशान हो जांदे आ कि उह सुसाइड करन तक चले जाते हैं भी मेरी फोटो जी मेरी गलत फोटो सोशल मीडिया से अपलोड कर दी, मेरे बारे देखो जी आ गलत कमेंट करी जाता, वह इतों तक कई बार चले जाते हैं, परेशानी इन्नी बढ़ जाती है। तो एक क्राइम है, क्राइम इहदी सज़ा है जे असी किसी ना अजिहा कर रहे हाँ, चाहे सोशल मीडिया से कर रहे हाँ जां फिजिकली कर रहे हाँ, दोवें ही क्राइम हो। जे तुहाडी कंप्लेंट कर दी जाए जां किसी दी भी कंप्लेंट कर दी जाए तो उते एक्शन होएगा तो उन्हों सजा होएगी। इसलिए करना ते होना दोवां दा आपां नूं ध्यान रखना चाहिए अवेयर। मैं हुण तुहानूं इसलिए अवेयर कर रहा कि देखो कितें असीं गलती ना जां अणजाणे विच ते किसी नूं बुली नहीं कर रहे, फिर सानूं पता जिहदा हुण आपां नूं कई वारी नहीं पता हुंदा ते आपां अणजाणे विच कई वारी करी जांदे हुंदे आ, ते सानूं देखना चाहिए एक एथिक आ कि सानू दूसरे दियां भावनावां नू सत्कार करना चाहिए भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। तो किस जगह पर उड़ा रहे हैं कई बार आप फ्रेंड्स चंगे होंगे तो उत्तर मजाक चलता भी आ, पर किस जगह पर मजाक करे सानू देखना पैना, तो इसलिए गलती ना भी असं कि मजाक ना उड़ाइए।
पहला ध्यान रखना। तो जे कोई ताड़ा मजाक उड़ा रहा है जां कोई परेशान कर रहा है तो तुसी इहदी कंप्लेंट कर सकते हो। भारत सरकार द्वारा सानू हैल्पलाइन नंबर दिते हुए आ अलग अलग, तुसी नैट ते जाके सर्च कर सकते हो, तो उन्होंने नंबर ते जाके कॉल कर दो भी हाँ जी आप वाला परसन मैनू बुली कर रहा, तो उहदे उपर एक्शन होएगा, तुसी इहदी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। हुण बचण वास्ते सारे तों पहला ते अवेयरनेस ही है भी आपां नूं अवेयर रहना पवेगा। फिर दूसरा की है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी लगा के रखो, पब्लिक नहीं करना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स ही मैनू मैसेज कर सकन जिन्हों मैं जानता, अणजाण बंदा मैनू कोई मैसेज ना कर सके, इसलिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखना चाहिए। फिर टाइम टू टाइम ना अपने नाम को गूगल करके देखना चाहिए कि मैं अपना अमरीक सिंह नाम भर के गूगल करके देखो कि कोई मेरी फोटो कोई वायरल तो नहीं हैगी, कोई मतलब ओपन प्लेटफॉर्म के उपर तो नहीं पई हैगी, इस सब चैक करना चाहिए भी जे कि है कि मान लो कोई मेरी फोटो अपलोडेड हैगी है तो उन्हों पहला हटा लो भी वो मिसयूज हो तो पहले हटा लो, जे मेरी फोटो आ रही है तो उन्होंने कोई भी डाउनलोड कर सकता कोई भी चेंजेस कर सकता, इसलिए उन्होंने ही पहला ही उतो रिमूव कर देना चाहिए डिलीट कर देना चाहिए। तो एक होर गल जे सू कोई तंग करता ना तो जो आप रिएक्ट करते हैं तो सू होर ज़्यादा तंग करता, तो इसलिए सू रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए रिएक्ट ना करिए। तो जे सू कोई इधर मैसेज आता भी आ परेशान करने वाला तो उन्होंने ब्लॉक कर दो, सब तो वधिया गल भी उस परसन उस मैसेज ब्लॉक कर दो, अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट चो हटा दो, तो तुसी इस तो बच सकते हो। हुण इह गल सिर्फ तुहाडे लई नहीं आ जां मेरे लई नहीं आ, सारिआं वास्ते आ, साडे बच्चे आ, सानू भी कोई साडे बच्चिआं नूं भी कोई इदां परेशान कर सकदा, तो सानू उहनां नूं भी अवेयर करना चाहिए, खुद भी अवेयर होना चाहिए, तो अपने समाज में इहदी अवेयरनैस जिहड़ी आ उह देनी चाहीदी आ। तो अज का टॉपिक जिहड़ा सी उह साडा साइबर बुलिंग सी भी किसे नूं तंग परेशान करना सोशल मीडिया के उपर इंटरनैट के उपर, ठीक है। तो आप सारिया ने प्रण करना भी इदा के गलत जोड़े एथिक्स है उन्होंने तो बचिए, अवेयरनैस जरूरी आ, अवेयरनैस बार बार इतों तुम यही चीज़ दसी जा रही है, बार बार रिपीट की जा रही है भी कितना ना कितने दिमाग में बैठ जाए भी असं की करना तो की नहीं करना, एक प्रण लवेंगे एक सहु चुकेंगे कि असी ऑनलाइन जोड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने वरतों किस तरीके करनी है, किड़े काम करने कि नहीं करने, ये सिर्फ बोलने का मतलब नहीं है भी असी तो बोल देना तो गल खत्म हो जानी है, इन्हों पॉइंट्स को समझो तो अपने जीवन में इन्हों अपनाओ तो लोगों के भी अवेयरनैस जी पैदा करो। तो हुण मैडम परम तुहाडे नाल कुछ पॉइंट जिहड़े हैगे आ वो शेयर करनगे। अज दे डिजिटल युग विच मैं इंटरनैट की वरतों करते हुए हमेशा अपने आप नू साइबर खतरियां तो स्थिति विच किसे नाल पासवर्ड सांझा नहीं करांगी, मैं अपने सारे बैंक नाल संबंधित या कोई होर यूजर नेम अते पासवर्ड अपने मोबाइल या कंप्यूटर ते सुरक्षित नहीं करांगी अते ना ही लिखांगी, उन्हां नूं याद रखण दी पूरी कोशिश करांगी। हाँ बच्चे, अज तुहानूं सरदार अमरीक सिंह हुणां ने जो साइबर सिक्योरिटी है साइबर फ्रॉड है और उहदे विच ही इजाफा करदे आ नवी टर्म है साइबर बुलिंग, उहदे बारे आपां सारिआं नूं जानकारी दित्ती आ और ये साडे सारिआं लई सिर्फ कल्ले स्टूडेंट वास्ते ही नहीं, जो असी इस एज दे विच आ असी जोड़े स्टाफ मैंबर आ तुहाडे टीचर आ, सो सानू भी बहुत सारियां चीज़ां दा जिहड़ी नवी टेक्नोलॉजी आ रही आ उहनां बारे पता नहीं लगता जां असी उन्ने अपडेट उहदे बारे नहीं हुंदे, सो असी इन्हां दे खास तौर पर थैंकफुल आ हफ्ते दे विच एक दिन ये इस तरह का टॉपिक लैके आउंदे आ जिहड़ा साडी साइबर सिक्योरिटी दे नाल जुड़िया हुंदा जां अवेयर करदे आ कि कित्थे कित्थे साडे नाल धोखा हो सकदा आ, कित्थे असी प्रॉब्लम च आ सकदे आ, किहड़ी चीज़ सानू नैट दा यूज़ करदे आ सोशल मीडिया दा यूज़ करदे आ
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਧੌਂਸ ਦੇਣੀ, ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਈਵਨ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 85 ਸਾਲ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਬੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਝਟ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਡਾਂਟਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।